वीडियो का रूल यही है, इस पूरी क्लास का रूल यही है, मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में बैठ के पढ़ने का रूल यही है कि तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हारा जितना भी स्कोर आएगा, सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, सर आपका लेक्चर बहुत वाहियात लगा, सर आपके क्वेश्चन ऐसे इंप्रूव हो सकते हैं, सर मेरा स्कोर इतना, जो लिखना है लिखो, लेकिन कमेंट जरूर करो कौन सा स्टेट है ऐसा जिसने नया माइलस्टोन सेट करा है और वो लीडर बन गया है रामसार साइट्स में, ठीक है। हु लॉन्च फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में हम लोग जो हमने जनवरी में सारे के सारे करंट अफेयर्स, वो जैसे हमने 100 क्वेश्चंस वाली सीरीज चलाई थी, सेम हम फेब के लिए इस बार साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे बेसिकली, ठीक है। पैटर्न वही है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, जैसे तुमको पीछे टॉपिक दिख रहा होगा कि मैं तुमसे फेब के क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं 100 क्वेश्चंस पूछूंगा। वीडियो का रूल यही है, इस पूरी क्लास का रूल यही है, मेरे साथ इस पूरे लेक्चर में बैठ के पढ़ने का रूल यही है कि तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हारा जितना भी स्कोर आएगा, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करिए आपका स्कोर 80 प्लस है, या फिर 81 है, 82 है, 79 है, 69 है, जो भी है आपका स्कोर, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आपको YouTube के चैट बॉक्स में, नीचे जो चैट बॉक्स है वहां पर लिख दीजिए माई स्कोर इज 79 आउट ऑफ 100, जो भी जैसा भी है, ठीक। सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, सर आपका लेक्चर बहुत वाहियात लगा, सर आपके क्वेश्चन ऐसे इंप्रूव हो सकते हैं, सर मेरा स्कोर इतना, जो लिखना है लिखो, लेकिन कमेंट जरूर करो इस लेक्चर के नीचे आपका स्कोर लास्ट में, क्योंकि उसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि आपका स्कोर अच्छा है तो इसको 100 कैसे लेके जाया जाए, ठीक है। कमेंट नहीं आएगी तो टिप नहीं मिलेगी, वेरी सिंपल, और पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि आपने अगर जनवरी वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पर्सनलाइज टिप्स दिए हुए हैं, मैं खुद कमेंट के रिप्लाई करता हूं, एंड यही पैटर्न हम लोग आज भी रखने वाले हैं। तो 3-2-1 हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है ऐसा जिसने नया माइलस्टोन सेट करा है और वो लीडर बन गया है रामसार साइट्स में, ठीक है। रामसार साइट्स जो है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। द स्टेट विच हैज सेट अ न्यू माइलस्टोन। आप, मैं पॉज लूंगा बोलने के बाद, आप वीडियो पॉज करोगे, आप क्वेश्चन करोगे, फिर आप उसका आंसर करोगे। इसका आंसर है बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच पोर्टल अचीव्ड 1.45 करोड़ यूथ रजिस्ट्रेशंस विद इन 3 मंथ्स। ये हम फेब का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, फेब 2024। इसका आंसर इज बी, मेरा युवा भारत, माय भारत पोर्टल, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये अक्टूबर ऑफ 23 में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2023 में ये पोर्टल लॉन्च हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला, फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फॉर गर्ल्स एज्ड 9 to 14 किसने अनाउंस करी? इसका आंसर है सी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थी, अब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने ये कब करा था? ड्यूरिंग हर इंटरिम बजट स्पीच, ठीक है, इंटरिम बजट की जो स्पीच थी इनकी, उसके दौरान इन्होंने ये करा था अनाउंस। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स? आंसर है सी, हरिद्वार उत्तराखंड। सिटी का नाम भी याद रख लेना, नोट्स में कहीं अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लेना, हरिद्वार में ये पूरा करा गया है। अगला, विच टीम वन द नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड? किस टीम ने मेंस नेशनल में ये जीता है नागेश ट्रॉफी में? आंसर है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका की टीम ने जीता है, ठीक है। इन्होंने डिफीट करा था आंध्र प्रदेश को, बाय 9 विकेट्स, 9 विकेट्स डिफीटेड आंध्र प्रदेश। अगला, व्हाट इज द गोल ऑफ उत्तर प्रदेश का एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन? इरेडिकेट फिलारियासिस फ्रॉम 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला, हाउ मेनी रेल कोचेज आर स्लेटेड फॉर कन्वर्जन फॉर वंदे भारत? ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्कीम में से निकाला गया है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन का इनिशिएटिव है, तो 40,000 रेलवे कोचेस को करा जाएगा वंदे भारत में कन्वर्ट। अगला आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ लोकेटेड है?
डीहिंग, खमती घाट वेयर इट इज इन असम। ठीक है, अगला, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? वेरी इजी, उत्तराखंड। अगला, हु इनॉग्रेटेड 300 करोड़ का फ्लाईओवर इन उत्तर प्रदेश? फ्लाईओवर कौन इनॉग्रेट करेगा? ऑब्वियसली नितिन गडकरी करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में अगर जानना चाहें तो ये मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, कौन? नितिन गडकरी। अगला, वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स लॉन्च्ड? कहाँ? राजीव चंद्रशेखर जो एक यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने आईआईटी दिल्ली। राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने आईआईटी दिल्ली में ये लॉन्च करा है, क्या? डिजिटल इंडिया फ्यूचर्स लैब। पर्पस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, ये तो यार बहुत इजी है, प्लस क्लास में भी पढ़ाया है। डिजिटल लर्निंग तो प्रपोर्ट करेंगे नहीं, आंसर है बी। नीट में हमने देखा इसका काफ़ी काम आ सकता था अगर ये बिल पास हो जाता तो, बट हुआ नहीं किसी कारण से, तो अभी चल रहा है, उस पर बात चल रही है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ इनॉग्रेट करा है ONGC सी सर्वाइवल सेंटर? ONGC सी सर्वाइवल सेंटर इन्होंने कहाँ पर करा है इनॉग्रेट? इसका आंसर है गोवा। अगला, विच स्टेट प्लान्स टू सेट अप अ हेल्प डेस्क फ्रॉम फॉर यूथ इन द USA एंड अब्रॉड? आंसर इज तेलंगाना। अगला, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इनैक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये भी हम पढ़ चुके हैं, वापस से क्वेश्चन रिपीट है, चलो ग्रेस मार्क्स मिल गए आपको। हु लॉन्च फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया? हु अरविंद केजरीवाल। ये कहाँ से करेंगे, तो जेल में, ये भी जेल में ही है वैसे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ओपनिंग इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई? स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई। आंसर इज सी, टाटा ट्रस्ट। अगला, व्हाट इवेंट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट एट राष्ट्रपति भवन? क्या इनॉग्रेट किया था इन्होंने? विविधता का अमृत महोत्सव, इसमें क्या किया इन्होंने? नॉर्थ ईस्ट का कल्चरल हेरिटेज शोकेस किया, ये पूरा विविधता का अमृत महोत्सव। अगला, टारगेट क्या है कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव का? 1 million ton इज द करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा स्टेट एम कर रहा है इंटरनेट एज अ बेसिक राइट टू द सिटीजन्स? ये गवर्नर हैं कहाँ के? तेलंगाना के। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज करा है कि आप उसको एक बेसिक इंटरनेट राइट बनाओ। दिल्ली का नेशनल बुक फेयर कब शेड्यूल्ड था? फेब में, तो वो 10 से 18 फेब इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीइंस्टेटेड द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज? ये एक बार इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख लो। नेशनल बुक ट्रस्ट कहाँ कहाँ बनाया था इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट? कहाँ पर हुआ है ये? अगला, कौन से बिल पास हुए थे
सिक्किम जो है वो स्टेट बना। यहां पर अगला क्वेश्चन, कौन से बिल पास हुए थे? ट्वेंटी फोर कहाँ लॉन्च हुआ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 25, कौन से वर्कर्स आयुष्मान भारत स्कीम में अब इंक्लूड किए जाएंगे? आंसर है सैनिटेशन वर्कर। ये किसने बोला है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ये बोला कि इनको भी आप इंक्लूड करो। अब लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप लोग भी पानी पियेंगे, मैं भी पानी पीऊंगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हु हैज लॉन्च रीजनल मेडिकल सेंटर्स इन डिब्रूगढ़ आसाम। रीजनल मेडिकल सेंटर्स कहाँ लॉन्च हुए हैं, किसने लॉन्च किए? बेसिकली मनसुख मांडविया, आसाम में इन्होंने लॉन्च करे। ठीक, ये हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, थे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। आगे, मेन फोकस ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वीरोलॉजी, इसका क्या होगा? वीरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडीज, तो ये वायरस की रिसर्च ही होगा ना, और क्या होगा? वेरी इजी। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन लैंड म्यूटेशन सर्विसेस? बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार ने ये लैंड म्यूटेशन सर्विस लॉन्च करी है, और इसके साथ साथ क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखता रहता हूँ ना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप इसको, अगर आपने कहीं नोट्स में नहीं लिखा, सिर्फ इतना और ये ऑप्शन और ये जो इन्फॉर्मेशन अगर मैंने लिख दी, इतना ही पड़ गए ना भैया, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। इसलिए तो 100 100 100 करके तुम 1200 क्वेश्चन तो 12 महीने के करंट अफेयर्स के ही कर लोगे। इसके साथ साथ जो जो पेड बैचेज हैं, उसमें इसके अलावा दिए गए 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 250 300, अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा के जाएंगे। कोई पूछ के तो दिखाए, और क्या पूछेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़। अब चलते हैं आगे। विच सिटी विल होस्ट द 24th वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इन 2029? 2029 में कौन सा शहर वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस को होस्ट करेगा? आंसर इज मुंबई। अगला, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा कौन से स्टेट ने चालू करी है? गुजरात। अगला, आरोग्य भाग्य स्कीम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कर्नाटका, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के लिए? गतिशक्ति, गतिशक्ति, गतिशक्ति का मतलब गति की शक्ति से, स्पीड की शक्ति, शक्ति की स्पीड। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए करा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 33।
कौन सा स्टेट प्लान कर रहा है ये कंडक्ट करने का फर्स्ट डब्बा ट्रेडिंग मार्केट फॉर ई वेस्ट? आंसर इज महाराष्ट्र. विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट? साउथ अफ्रीका. अगला, 2032 का समर ओलंपिक्स कहाँ होस्ट होगा? ब्रिस्बेन. ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया. क्लियर. हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग समिट इन न्यू दिल्ली? कौन करेगा भाई? पीयूष गोयल करेंगे. अगला, किस देश ने डिजिटल करेंसी ई युआन? अब युआन भैया कौन करेगा लॉन्च? क्या लगता है तुमको? युआन तो चाइना करेगा ऑब्वियसली. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उज्ज्वला योजना का? एलपीजी कलेक्शंस को प्रोवाइड करवाना. इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल सिटी कौन सी है? कि यहाँ पर जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है उतना ही रिप्लेनिश हो जाता है, वो है कोचिन. कोची भी कहते हैं इसको. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू लॉन्च एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी? इट इज अगेन महाराष्ट्र. अगला, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2024 G20 समिट? G20 तो भैया दिल्ली में हुआ था, हम सबको पता है. ठीक है, और ये किस लिए होता है? What is the primary goal of Swachh Bharat Abhiyan? C. Urban Forest Policy किसने introduce करी? महाराष्ट्र. प्रधानमंत्री जनधन योजना का purpose क्या है? Ensure financial inclusion. अगला, किस स्टेट ने हर घर जल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? 100% टैप वाटर कनेक्शंस. गोवा. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस स्टेट में है? बिहार. बहुत अच्छे, कन्याओं का विवाह करवाइए, बढ़िया. मेन फोकस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का क्या है? कल्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म? बिल्कुल नहीं. बी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम किस स्टेट ने करी है लॉन्च? आंसर इज ऑल स्टेट्स. जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट कौन सा स्टेट कर रहा है? अगेन सारे ही कर रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन सही है सारे. शिव भोजन थाली कौन से स्टेट ने करी है? अगेन आज के सारे आंसर ऑलमोस्ट महाराष्ट्र पे ही जा रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत का क्या है? Enhance self-reliance in manufacturing. World Environmental Day celebrations कहाँ host हुए? किस शहर ने host करे 2024 में? New Delhi. इस पे रहा मेन फोकस किसका? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का.
ये पूरे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे में जब सेलिब्रेट हुआ। रोजगार सेतु योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? रोजगार कहाँ चाहिए भैया? मध्य प्रदेश को चाहिए। पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम। प्रमोट सोलार एनर्जी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं क्वेश्चंस को लेकर जैसे वो थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये विच स्टेट इनिशिएटेड पंचायत राज पोर्टल। पंचायत राज पोर्टल किस स्टेट ने इनिशिएट करा है? तो पंचायत राज पोर्टल राजस्थान ने इनिशिएट करा है। राजस्थान वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम एज वेल। वॉट इज द मेन फोकस ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चर करिए, वो है। युवा स्वाभिमान योजना किस स्टेट ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। 100 डेज ऑफ स्किल ट्रेनिंग, पहले स्किल्स आपको मिलेंगी, फिर आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्किल्स भी मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। अगला जो आपके सामने है वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PMSYM, श्रम योगी मान धान। प्रोवाइड पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। ई रक्त कोश किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, साइकिल कौन दे रहा है? बिहार। सही में? हाँ। पीएम अभिम, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन मिशन का पर्पस क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। स्मार्ट विलेज प्रोग्राम कहाँ लॉन्च हुआ है? गुजरात। अगला, ISA का समिट कौन होस्ट करेगा? हेड ऑफिस इसका गुड़गांव में है और ISA न्यू दिल्ली। सौभाग्य स्कीम का एम क्या है? हर घर का सौभाग्य हो कि उनके घर में क्या पहुंचे, उनके घर में बिजली पहुंचे। कन्या सुमंगला योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश। अपनी गाड़ी अपना रोजगार, अपनी गाड़ी अपना रोजगार, अपनी गड्डी से आप समझ सकते हो कि पंजाब ही होगा आंसर। उज्ज्वला प्लस स्कीम का मेन फोकस क्या है? फ्री LPG कनेक्शंस। मिशन परिवार विकास इनिशिएटिव। उत्तर प्रदेश। अगला, मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली। अगला, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा। स्वावलंबन योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च करी? हिमाचल प्रदेश।
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024। न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा नेस्थम स्कीम। आंध्र प्रदेश। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2024? आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना। आंसर इज बी, आपकी सुकन्या समृद्ध रहे। जल स्वावलंबन अभियान। जल तो राजस्थान को ज्यादा चाहिए, ले आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट, प्रमोट फिटनेस एंड हेल्थ। क्लियर। अगला, समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम गुजरात। ठीक है, क्लियर है, आपको समर्थ बनाने में ये हेल्प करता है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, फ्री में मेडिसिन कौन बांट रहा है? राजस्थान। अगला, स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव 3, 2, 1 ए। मुख्यमंत्री अमृतम योजना। आहा, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे ये। किसको देंगे हेल्थ इंश्योरेंस? ये देंगे गरीबों को। कौन? गुजरात। इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग डावोस में होती है वैसे तो ये। यस, आंसर इज डावोस। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, किसानों की मदद कौन करना चाहता है? गुजरात। आयुष्मान भारत स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। ओडिशा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, वेरी इजी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, चिरंजीव किस स्टेट को रहना है? राजस्थान रहेगा, और कौन रहे? इन्होंने क्या लॉन्च करा है? कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च करा है इन्होंने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 के किसने होस्ट करे थे? बर्मिंगम। ये रहा कम, ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, यूके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़क बनाएंगे और क्या करेंगे? और क्या? मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, कौन सी कलाकारों का कौन सहाय कर रहा भाई? इसे ना कौन सा अच्छा स्टेट हो गया? ये है उड़ीसा। समर ओलंपिक्स किसने होस्ट करे थे?
या फिर होस्ट करेगा? पेरिस। महिला उत्कर्ष योजना, महिला उत्कर्ष योजना गुजरात। पीएम यूडे उदय, ठीक। आंसर इज बी, लीगलाइज करो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली में। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल मतलब हेयर नहीं, बच्चे, बच्चों की सेवा कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, जो ऑर्फन्स थे, जो कोविड की वजह से जिनके मम्मी पापा नहीं रहे उनकी सेवा करवा रहे हैं कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार। लास्ट क्वेश्चन फॉर योर डे इज समग्र शिक्षा अभियान, आंसर इज बी, इनहैंस स्कूल एजुकेशन। आई होप आप सबको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया हो, एंड मुझे इस लेक्चर के एंड में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपके चाहिए स्कोर्स, वरना भैया ये आखिरी वीडियो होगा जो इस महीने का आएगा, ठीक है? स्कोर नहीं आए तो वीडियो बंद हो जाए, वेरी सिंपल। तो आई होप सबको मज़ा आया, जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बता के जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। दैट्स इट।